हे गाइस, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे अंदर ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, आज मेरा जर्नी है दीदी के घर से हमारा घर, ठीक है, मेरा घर। तो गाइस, मैं दीदी के घर करीबन 7-8 साल हो चुका है, यहीं पे रहता था, यहीं पे पढ़ाई किया। क्लास 10 के बाद 11 से यहीं से पढ़ाई किया था, ठीक है। तो गाइस, ये दीदी के घर से मैंने ऑलरेडी 2 बार तो मेरा जो जो सामान था बैग में डाल के, बहुत सारा था ना, तो बैग में डाल के 2 बार तो ले जा चुका हूँ। फिर अभी आया हूँ 2 बैग लेके, ठीक है। अभी पूरा फुल करके आप फाइनल ले जाऊँगा, और थोड़ा बुक कॉपी वगैरह और थोड़ा कपड़ा वगैरह रख यहीं पे रख दूँगा, क्योंकि बाद में अभी 1 साल बाद या 9 मंथ जब ट्रेनिंग खत्म होगा तो फिर आएंगे दीदी के घर, तो उस टाइम वो भी ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल दीदी के घर में वो थोड़ा रख लिया है, और बाकी जितना भी चाहिए मुझे मैंने ले लिया है गैस। और ये मेरा दीदी का घर है, और मैं दीदी के घर पे ही रहता था। और गैस, आज मेरा जर्नी भी धोलाबेल टू हरेकुंडा, ठीक है। तो मेरा वहीं पे घर है, अब ज्वाइनिंग भी 1 तारीख से आसाम पुलिस, ठीक है, आसाम बटालियन में। तो 1 तारीख से ज्वाइनिंग है मेरा गैस। तो अभी मैं पूरा सामान लेके जाऊंगा, और थोड़ा शॉपिंग भी करना है अभी, क्या क्या ट्रेनिंग में ले जाना है वो जितना भी मुझे मालूम है, और थोड़ा फ्रेंड्स को पूछेंगे और इन्फॉर्मेशन लेके थोड़ा शॉपिंग में करना है। और इसके बाद गैस, आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है, और थोड़ी देर में मेरे पूरा पैकिंग करूँगा, और पैकिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अभी पूरा पैकिंग नहीं किया है, तो मैं थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है। तो मेरा सामान यहाँ पे पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं गैस, यहाँ पे सामान है। उसके बाद ये एक बैग रेडी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सामान पड़ा है, और यहाँ पे कुछ बुक वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं, बुक है और कपड़ा वगैरह। तो सारा सामान ले जाऊँगा, और मैं अभी ट्रेन में जाऊँगा, 2 बजे का ट्रेन है, ठीक है, 2:15 का, तो ट्रेन में जाऊँगा। तो गैस चलिए, मैं जब ट्रेन ये घर से निकलूँगा तो बड़ी दीदी आई हुई है घर में, अभी बड़ी दीदी आई हुई है, अभी जस्ट लेके आए थे सेंटर से, मतलब बड़ी दी अपने घर से आई है, जस्ट लेके अभी आया हूँ मैंने। तो यहाँ का जो मेरा मिडिल दीदी है, क्या बोलते हैं, हमारा तो माइली दीदी बोलते हैं, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं जानते। तो मेरा तो 3 दीदी है, तो मिडिल दीदी जो है वो घूमने गए है, ठीक है, जीजा जी भी घूमने गए। अभी घर में तो कोई नहीं है, बस मैं ही था। तो बड़ी दीदी मुझे ट्रेन में उठाने लिए आ गई है, जस्ट अकेला हूँगा तो दीदी आ गई है, तो दीदी मुझे ट्रेन में उठाएंगे, तो मैं आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग भी दिखाऊंगा, ठीक है। और गैस, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो तो गैस ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर वो लंबा भी हो गया कुछ नहीं, थोड़ा देख लेना गैस, मज़ा आएगा। तो चलिए गैस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गैस यहाँ पे फुल हो चुका है, ये भी फुल हो चुका है, गोल मटल वाला देख सकते हैं, इतना गोल मटल बना दिया। और उसके बाद एक झोला है, वो झोला एक है, और उसके बाद अब जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो, तो चलिए मैं धोलाबेल में पहुँच कर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गैस अभी टाइम हो चुका है 1:40, ठीक है, यहाँ पर देख सकते 1:41 हो चुका है। तो अभी ट्रेन 2:15 को है, ठीक है। तो अभी घर से जा रहे हैं, वो दीदी भी उधर चली गई, ठीक है, बड़ी दीदी, और मैं जा रहा हूँ। तो अभी घर पूरा लॉक कर दिया, दीदी थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो चलिए धोलाबेल पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, गेट भी लगा देना पड़ेगा। तो हो गया, सो आज पूरा बैग भी रेडी हो चुका है, अब वहीं जाके दिखाऊंगा, ठीक है, और फुल फाइनल वीडियो फिनिशिंग घर पे जाके कर दूंगा, ठीक है। तो गैस फिलहाल धोलाबेल पहुंच गए स्टेशन पे, ठीक है, और दीदी मेरे लिए टिकट खरीदने के लिए गई है। तो दीदी अभी टिकट ले उधर से लेके आएगी, ठीक है, और दीदी आएगी, मैं तो इधर ही हूँ, देख सकते हैं। तो गैस बड़ी दीदी को स्कूटी चलाना नहीं आता है, तो साइकिल लेके आ गए, ये थोड़ा बहुत भारी था और ये भी थोड़ा भारी था, तो इसीलिए साइकिल लेके आ गए। अभी आराम से दीदी साइकिल में साइकिल लेके चली जाएगी। तो अभी स्टेशन में ट्रेन नहीं आया, अभी टाइम हुआ है 2:07, तो चलिए वीडियो में बने रहे, मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ। तो गैस पहले स्टेशन में तो बैठने को नहीं मिला, लेकिन दूसरे स्टेशन आने के बाद ये सिंगल सीट विंडो के सामने मिल गया, तो देख सकते हैं गैस। और ट्रेन में काफ़ी भीड़ था पहले, अभी थोड़ा खाली हो चुका है। तो अभी पहुंच गए रामपड़ा जंक्शन है, तो अभी यहाँ थोड़ी देर 20-25 मिनट यहाँ पे रहेगा ट्रेन, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा, ये जंक्शन है। तो चलिए दिखाता हूँ थोड़ा यहाँ का।
व्यू देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये रामपाड़ा का जो चापट बगान है, आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, पूरा पूरा हरियाली चारों तरफ। और गाइस हमारे असम में ज़्यादातर हरियाली ज़्यादा होता है देख सकते हैं। तो ये असम का चापट बगान का व्यू है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो गैस अभी मांझवट पहुंच गए हैं देख सकते हैं, ये मांझवट, और ये मांझवट के बाद रोहता आएगा, और रोहता के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेशन उदयपुर, तो वहीं पे उतरना पड़ेगा मुझे। तो देख सकते हैं ये मांझवट का थोड़ा व्यू। फाइनल पहुंच गए उदलगुड़ी, अभी ये उदलगुड़ी स्टेशन है, अभी यहाँ से घर जाएंगे, ठीक है। अभी उदलगुड़ी स्टेशन में पहुंच गए, अभी टाइमिंग हुआ है 4:20, ठीक है। तो घर पहुंचते पहुंचते अभी एक गाड़ी पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ से 17 किलोमीटर घर है, तो थोड़ा रात हो सकता है, तो वहीं जाके दाइन करूँगा, ठीक है। अभी वीडियो बंद कर दूँगा, ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा तो देख ले जाने में। तो गाइस अभी तो 4:30 हुआ है, अभी 4:30, और यहाँ से चलने से थोड़ा टाइमिंग लग सकता है 4:35 जैसा। तो उसके बाद घर, अभी तो देख सकते हैं रात नहीं हुआ है गाइस, देख सकते हैं इधर, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा। तो गैस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रात हो चुका है, अभी घर पहुँचने वाला हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा रात हो चुका है गैस, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली गैस घर पहुँच गए, ये हमारा दुकान है, अभी रात हो चुका है। तो गैस अभी टाइमिंग देख सकते हैं कितना हुआ है, 5:15, तो 5:15 में घर पहुँच गए। तो फाइनली गाइस घर पहुंच गया, तो आज बहुत ही लेट हुआ आज, मतलब ट्रेन तो टाइमिंग पे था लेकिन गाड़ी ने थोड़ा लेट कर दिया। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे दाइन करता हूँ, तो चलिए मिलते हैं अनदर ब्लॉग वीडियो में, ठीक है, चलिए घर के अंदर चलते हैं। यहाँ हमारा भैया का बेटा है, हैंडसम बेटा, यहाँ हमारा भैया का हैंडसम बेटा है, तो फिर टाटा घर, टाटा घर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय वन, बाय बाय वन, बाय गाइस।